Hello everyone. In this lecture, we are going to study about the performance of the condenser. तो वो parameters जो कि performance of condenser को affect करते हैं, वो हम study करेंगे यहाँ पे, ठीक है? तो पहला जो जो parameter है, वो है mass of the cooling water required. कितना cooling water required होता है for the condensing of the steam, ठीक है? तो वो हम कैसे find out कर सकते हैं? वो हम फाइंड कर सकते हैं बाय द एनर्जी बैलेंस ऑफ द कंडेंसर. हम कंडेंसर की अगर एनर्जी बैलेंस देख लें, ठीक है, इक्वेशंस देख लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना मास रिक्वायर्ड होगा, ठीक है. यहाँ पे हमें एक एग्जम्पशन लेना पड़ेगा कि जो होल स्टीम है, जितनी भी स्टीम है आ रही है, वो सब कंडेंस हो रही है, ठीक है. तो लेट्स से कि यहाँ पे कूलिंग वाटर आ रहा है यहाँ से, ठीक है, इट इज कमिंग विद टेम्परेचर TCI. TC जो हो गया कूलिंग वाटर का टेम्परेचर हो गया, और I इज फॉर इनलेट, ठीक है. तो TCI का इसका इनलेट का टेम्परेचर हो गया, और TC0 इसका आउटलेट टेम्परेचर हो गया. इधर साइड से स्टीम आ रही है, लेट्स से इसका टेम्परेचर जो है टी सेचूरेटेड है, ठीक है, और यहाँ से कंडेंसेट हमें मिल रहा है, ठीक है. तो ये कंडेंसेट का टेम्परेचर, आइडियली तो हम चाहते हैं कि टी सेचूरेटेड हो, सिर्फ लेटेंट हीट इन्वॉल्व हो, जितनी भी लेटेंट हीट आई, सिर्फ जो स्टीम है वो अपनी लेटेंट हीट को रिलीज करे और कंडेंस हो जाए, ठीक है ना. लेकिन ऐसा होता नहीं है, प्रैक्टिकली वो कुछ सेंसिबल हीट भी अपनी लॉस कर देती है, तो उसका टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है. लेट से कि उस कंडेंसेट का जो टेम्परेचर है दैट इज TC, राइट. तो यहाँ पे हम देखेंगे कि व्हाट इज द हीट लॉस बाय द स्टीम, जो हीट लॉस हुई है स्टीम से वो कितनी हुई है, MS मास फ्लो रेट ऑफ द स्टीम इनटू HFG, यानी कि दिस इज द रैंकाइन साइकिल, ठीक है. अब रैंकाइन साइकिल में जो हमारे पास 2 to 3 पार्ट होता है, ये कंडेंसर का पार्ट होता है, ठीक है. यहाँ पे ये जो एनर्जी है ये उसकी हमारे पास लेटेंट हीट है, ठीक है. लेटेंट हीट दैट मीन्स जो भी वो सैचुरेटेड तक जा सकती है, ठीक है ना. तो दिस इज XHFG, तो ये लेटेंट हीट उसने लॉस करी, प्लस जो मैंने अभी बात करी थी कि वो प्रैक्टिकली अंडर कूलिंग होती है उसकी, या सब कूलिंग होती है, ठीक है, कंडेंसेट की, तो वो सेंसिबल हीट, ठीक है. तो लेटेंट हीट ऑफ द स्टीम प्लस द सेंसिबल हीट, ठीक है, ये टोटल एनर्जी हो जाएगी जो कि वो लॉस कर रही है, ठीक है. तो XHFG इज द लेटेंट हीट पार्ट, और CPW इनटू द डिफरेंस इन टेम्परेचर, जितना भी वो नीचे सेंसिबल हीट लॉस करके जितना भी उसका टेम्परेचर बना है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वो जो भी टेम्परेचर डिफरेंस आता है दैट इज योर द सेंसिबल हीट पार्ट, ठीक है. तो यहाँ पे हम ये डिफरेंस टी सेचुरेटेड की इतना तो आइडियली होना चाहिए था, लेकिन इतना मिला हमें, तो ये दिस टेम्परेचर डिफरेंस इज कॉल्ड योर अंडर कूलिंग और द सब कूलिंग ऑफ द कंडेंसेट, ठीक है. तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, दिस CPW इनटू टी सेचुरेटेड, तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे सेचुरेटेड पॉइंट पे इसकी एनर्जी हो जाएगी, ठीक है. तो दिस इज इक्वल टू द HG, ये हम स्टीम टेबल से देख सकते हैं, ठीक है. और CPW इनटू TC ये हो जाएगी उसकी सब कूल्ड स्टेट में, क्योंकि अब टेम्परेचर जब ये रिलीज करेगा अपना और टेम्परेचर डाउन में जाएगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सब कूल्ड स्टेट में जा रहा होगा. तो यहाँ पे हम ये HFC कह सकते हैं, दिस इज द एनर्जी जो कंडेंसेट के पास होगी एट द सब कूल टेम्परेचर. तो ये भी हम स्टीम टेबल से देख सकते हैं इसको, ठीक है. तो कंप्लीट एक्सप्रेशन जो हीट लॉस बाय द स्टीम होगा वो कितना हो जाएगा, M.S इज द मास फ्लो रेट इनटू XHFG प्लस HG माइनस HFC, राइट. तो ये लॉस हुई, तो कूलिंग वाटर ने हीट एनर्जी गेन करी होगी, ठीक है, वो कितनी होगी, द मास फ्लो रेट इनटू MCP डेल्टा T को इस्तेमाल करेंगे तो मास फ्लो रेट ऑफ द वाटर इनटू द स्पेसिफिक हीट इनटू द डिफरेंस इन टेम्परेचर TC0 माइनस TCI, जो उसका आउटलेट टेम्परेचर और उसका इनलेट टेम्परेचर का डिफरेंस, ठीक है ना. तो हम ये हमारे पास लेट से Q2 इज द हीट गेन बाय द वाटर हो गया, हम दोनों को इक्वेट कर देंगे, Q1 इज इक्वल टू Q2, ठीक है, दोनों एक्सप्रेशन को इक्वेट करेंगे तो हमारे पास ये एक एक्सप्रेशन बन जाएगा. और यहां से हम MW निकाल सकते हैं, दैट इज MS इंटू XHFG प्लस HG माइनस HFC डिवाइडेड बाय CPW TC0 माइनस TCI, ओके. तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द मास ऑफ द कूलिंग वाटर रिक्वायर्ड. योर नेक्स्ट पैरामीटर इज द कंडेंसर एफिशिएंसी. अब कंडेंसर एफिशिएंसी क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ द एक्चुअल टेम्परेचर राइज, ठीक है, जो कूलिंग वाटर जो हमारे पास जो फ्लो कर रहा है कंडेंसर के अंदर, उसका एक्चुअल कितना टेम्परेचर राइज हुआ और वो कितना मैक्सिमम पॉसिबल टेम्परेचर राइज उसके अंदर हो सकता था, इन दोनों का रेशियो क्या कहलाएगा, कंडेंसर की एफिशिएंसी कहलाएगी, ठीक है. तो एफिशिएंसी ऑफ कंडेंसर इज द डेल्टा टी एक्चुअल
वो कितना हुआ, टी सी नॉट माइनस टी सी आई, जैसा कि हमने देखा था कि उसका आउटलेट टेम्परेचर टी सी नॉट था और इनलेट टेम्परेचर टी सी आई, तो ये दोनों का डिफरेंस क्या कहलाएगा, डेल्टा टी एक्चुअल कहलाएगा, ठीक है। अब वो अब डिवाइडेड बाय द मैक्सिमम पॉसिबल टेम्परेचर राइज, मैक्सिमम कितना हो सकता था, तो कंडेंसर प्रेशर के कोरस्पॉन्डिंग जो भी सेचुरेटेड टेम्परेचर होता, ठीक है, वो वहां तक जा सकता था, ठीक है। तो टी सेचुरेटेड उसका आउटलेट टेम्परेचर हो सकता था माइनस द इनलेट टेम्परेचर सेम एज इन द प्रीवियस केस, ठीक है। तो दिस इज द मैक्सिमम डिफरेंस, ठीक है, जो कि उस कूलिंग वाटर के टेम्परेचर में आ सकता था, एंड दिस इज द एक्चुअल डिफरेंस जो कि आया, ठीक है। इन दोनों का रेशियो क्या कहलाएगा, कंडेंसर की एफिशिएंसी कहलाएगी, ठीक है। कंडेंसर में एक और एफिशिएंसी की हम बात करते हैं, दैट इज द वैक्यूम एफिशिएंसी। वैक्यूम एफिशिएंसी की बात हम इसलिए करते हैं क्योंकि वी आर ऑलरेडी वर्किंग इन टू द सब एटमोस्फेरिक प्रेशर, जो हम सब एटमोस्फेरिक प्रेशर पे हम काम कर रहे होते हैं, तो एक वैक्यूम वहां पे क्रिएट होता है, ठीक है। तो वैक्यूम कभी जब, क्योंकि एयर अगर आ जाती है, ठीक है, ड्यू टू द डिजाइन ऑफ कंडेंसर इस तरीके से हो, या कोई भी हमारे पास फीड वाटर के साथ एयर आ गई है, ठीक है, तो दैट विल हैम्पर द एफिशिएंसी ऑफ द कंडेंसर। तो यहाँ पे क्या होगा कि हम एक एफिशिएंसी वैक्यूम की टर्म्स में निकाल सकते हैं कि कितना मैक्सिमम वैक्यूम वो क्रिएट कर सकती थी और कितना वैक्यूम क्रिएट हुआ, ठीक है। तो कितना वैक्यूम क्रिएट हुआ वो क्यों हुआ, क्योंकि एयर आ गई, एयर जब आ जाएगी तो वो वैक्यूम उतना क्रिएट नहीं हो पाएगा, वो कुछ प्रेशर राइज हो जाता है, ठीक है ना। तो द एक्चुअल वैक्यूम दैट इज क्रिएटेड इन द कंडेंसर और जो मैक्सिमम वैक्यूम दैट कुड बी क्रिएटेड इन द वैक्यूम, ठीक है, दैट कुड बी क्रिएटेड इन द कंडेंसर, इन दोनों का रेशियो क्या कहलाएगा, वैक्यूम एफिशिएंसी कहलाती है, ठीक है ना। नाउ हाउ टू कैलकुलेट द एक्चुअल वैक्यूम, तो हम एटमोस्फेरिक में से एब्सोल्यूट प्रेशर को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक्चुअल वैक्यूम आ जाएगा। हम यहाँ पे ये चीज समझ लेते हैं कि हमारे पास दो स्टैंडर्ड होते हैं, ठीक है, एक एटमोस्फेयरिक या बैरोमेट्रिक, ठीक है, और दूसरा एक एब्सोल्यूट वैक्यूम की लाइन होती है। तो दिस लाइन इज द बैरोमेट्रिक लाइन या एटमोस्फेरिक लाइन है, ठीक है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग जितने भी हम प्रेशर्स को मेजर करते हैं वो गॉज प्रेशर कहलाता है। अगर हम ऊपर की तरफ जाएंगे इस लाइन से, ठीक है, तो वो हमारे पास पॉजिटिव प्रेशर जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, तो वो गॉज प्रेशर कहलाते हैं, और नीचे जब हम आएंगे इसके तो ये वैक्यूम प्रेशर्स कहलाते हैं, ठीक है। तो ये नीचे एक और लाइन है हमारे पास, इस लाइन को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट वैक्यूम लाइन और एब्सोल्यूट प्रेशर लाइन, ठीक है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम जितने भी प्रेशर्स को मेजर करते हैं वो एब्सोल्यूट प्रेशर कहलाते हैं, ठीक है। तो लेट से कि हमें स्टेज वन, ठीक है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम की बात हो रही है कंडेंसर के अंदर, तो हमारे पास से दिस इज द स्टेट वन, यहां पे हमारे पास प्रेशर है, ठीक है। तो अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कॉरस्पॉन्डिंग इसकी बात करेंगे तो ये वैक्यूम प्रेशर कहलाएगा। तो इसको कैसे निकाल सकते हैं, तो जो हमारे पास बैरोमेट्रिक रीडिंग है, जो हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, माइनस हमें एब्सोल्यूट प्रेशर को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वैक्यूम प्रेशर आ जाएगा। तो वही चीज यहां पे लिखी है, पी एटमॉस्फेरिक माइनस, या हम इसको पी एटमॉस्फेरिक से ज्यादा अच्छा है हम ये बोल सकते हैं कि पी बैरोमेट्रिक प्रेशर, जो हमारे पास बैरोमेट्रिक रीडिंग आ रही है, ठीक है, उसमें से हमने पी एब्सोल्यूट को माइनस कर दिया है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये पीजी हमारे पास एक्चुअल वैक्यूम पता चल जाएगा कितना आ रहा है, ठीक है। अब व्हाट इज द मैक्सिमम वैक्यूम दैट कुड बी क्रिएटेड, मैक्सिमम वैक्यूम क्यों हो सकता था, जो कंडेंसेट का टेम्परेचर होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी प्रेशर होता है, ठीक है, वो मैक्सिमम प्रेशर है जो वो अचीव कर सकता था इन द केस ऑफ वैक्यूम, ठीक है, कंडेंसेट के टेम्परेचर के कॉरस्पॉन्डिंग जो प्रेशर होगा, ठीक है। तो अगर हम सिमिलरली जो उसका एब्सोल्यूट वैक्यूम होगा एट कंडेंसेट टेम्परेचर पे, अगर हम उसको बैरोमेट्रिक रीडिंग में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो मैक्सिमम वैक्यूम आ जाएगा जो वो क्रिएट हो सकता था, ठीक है। तो ये रेशियो क्या कहलाता है, वैक्यूम एफिशिएंसी कहलाती है, राइट। यहाँ पे एक और टर्म हमारे पास होती है, दैट इज करेक्टेड वैक्यूम। करेक्टेड वैक्यूम बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास जितनी भी रीडिंग्स होती हैं, ठीक है, वो बैरोमेट्रिक रीडिंग जो होती हैं वो एक स्टैंडर्ड प्रेशर के कॉरस्पॉन्डिंग ली जाती हैं, जो कि हम इन द कॉलम ऑफ मरकरी यूज करते हैं। तो वो मरकरी का कॉलम जो हमारे पास बैरोमेट्रिक रीडिंग होती है वो 760 होती है, ठीक है। तो हम हर प्रेशर को उसी के कॉरस्पॉन्डिंग मानते हैं, ठीक है, वैक्यूम को। लेकिन मान लेते हैं कि अगर हमारे पास जो भी बैरोमेट्रिक रीडिंग है वो 760 नहीं है, कोई और बैरोमेट्रिक रीडिंग है हमारे पास, ठीक है, और जितनी भी वैक्यूम रीडिंग्स हमें गिवन हो रही हैं वो उसी जो हमारे पास बैरोमेट्रिक रीडिंग है उसके कॉरस्पॉन्डिंग हो रही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वो स्टैंडर्ड जो हमारे पास बैरोमेट्रिक रीडिंग होती है, दैट इज 760, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें आंसर देना पड़ेगा। तो इसको एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं।
जैसे कि हमारे पास बैरोमेट्रिक स्टैंडर्ड क्या हो गया 760, मान लेते हैं जो एक्चुअल बैरोमेट्रिक रीडिंग हमारे पास चल रही थी, वो चल रही थी लेट से 750, जो हमारे पास बैरोमेट्रिक रीडिंग मेजर हुई वो ही 750, तो जो अब वैक्यूम हम उसको मेजर करेंगे वो भी 750 के करस्पॉन्डिंग होगा, ठीक है। तो लेट से कि वो हमारे पास जो वैक्यूम मेजर हुआ दैट इज 720, ठीक है। तो हमारे पास इन दोनों में कितना डिफरेंस है, 30 का डिफरेंस है, ठीक है। तो हमें करेक्टेड वैक्यूम देना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड कितनी, 760, डिफरेंस कितना था 30 का, तो 760 माइनस 30 कर देंगे तो 730 हो जाएगा। ये 730 क्या हो गया, ये अब कॉरेस्पॉन्डिंग टू द स्टैंडर्ड बैरोमेट्रिक हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास दो बैरोमेट्रिक रीडिंग है, इन चीज को समझो कि एक स्टैंडर्ड है, एक बैरोमेट्रिक रीडिंग स्टैंडर्ड है जो कि 760 होती है, एक एक्चुअल है जो कि कोई और भी हो सकती है, ठीक है। हमारे केस में हमने यहाँ पे एग्जाम्पल में लिया है लेट से दैट इज 750, ठीक है। तो जो 750 के कॉरस्पॉन्डिंग वैक्यूम हमें मिलेगा, जो हमें जैसे एग्जाम्पल में हमने लिया कि 720 मिला है, ठीक है, तो उसके कॉरस अब जितना भी भाई बैरोमेट्रिक रीडिंग से कितना नीचे गया, ये 30 नीचे गया, 720 है, ठीक है ना। तो वो 30 का डिफरेंस हमें एक्चुअल में से दिखाना पड़ेगा, तो स्टैंडर्ड में से दिखाना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड कितना है 760 और डिफरेंस कितना है 30, तो हमारे पास करेक्टेड वैक्यूम कितना आ गया 730। अब ये 730 क्या हुआ, ये अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड बैरोमेट्रिक आ चुका है हमारे पास, ठीक है। तो इसको अगर फॉर्मूले में देखेंगे तो ये भी कह सकते हैं कि करेक्टेड वैक्यूम इज नथिंग बट द स्टैंडर्ड बैरोमेट्रिक रीडिंग माइनस द डिफरेंस ऑफ एक्चुअल एंड वैक्यूम रीडिंग, ठीक है ना। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूले में भी हम करेक्टेड वैक्यूम को दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्टेड वैक्यूम के केस में हमारे पास दो बैरोमेट्रिक रीडिंग्स होंगी, एक स्टैंडर्ड और एक एक्चुअल। एक्चुअल स्टैंडर्ड हमारे पास फिक्स है 760, एक्चुअल कुछ भी चल रही होगी, उस एक्चुअल के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास वैक्यूम मिलेगा, हमें उसे करेक्ट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड, ठीक है, 760 के अकॉर्डिंग। तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द करेक्टेड वैक्यूम वैल्यू एंड दिस इज ऑल अबाउट द परफॉर्मेंस पैरामीटर्स ऑफ द कंडेंसर। थैंक यू वेरी मच।